हाय एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे हर वीडियो में कबाड़ी वाला ज़रूर आता है। उसका और मेरे यूट्यूब वीडियो का कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठ संबंध है। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है कि वीडियो को आप प्ले करिए और मुझे बताइए कि किस टाइमलाइन पर कबाड़ी वाले की आवाज़ आई है। मज़ा आएगा, प्लीज़ करिएगा। ओके, नाउ वीडियो एंजॉय करें, बाय बाय। हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक पेशेंट का केस डिस्कशन करने वाले हैं। मैं डायरेक्टली किसी एक बीमारी के बारे में आपको नहीं बता रही हूँ, एक अम्ब्रेला डिसऑर्डर या एक अम्ब्रेला कंडीशन जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। कुछ समय पहले मेरे क्लिनिक पर एक पेशेंट आई, उनको कमर में दर्द था और कमर में दर्द होने के साथ साथ उनके पूरे पैरों में सुन्नपन झंझनाहट की प्रॉब्लम हो रही थी। एक्सरे करवाने पर उनको दिखाई दिया कि इनको डिस्क बल्जिंग है, यानी कि दो वर्ट्रिब्रा के बीच में जो बीच में डिस्क होती है वो अपनी जगह से खिसक गई है, बल्जिंग आ गई है वहाँ पर। ऐसी कंडीशन में आयुर्वेद मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके साथ में पेशेंट को बेड रेस्ट देना कंपलसरी होता है। जब आप डायग्नोसिस करते हो उसके बाद कम से कम उसको मिनिममली 1 मंथ का, 1 महीने का, 30 दिन का कंप्लीट बेड रेस्ट देना होगा। पेशेंट जितना ज़्यादा लेटा रहेगा, पीठ उसकी सीधी रहेगी, बल्जिंग उतनी ज़्यादा अंदर की ओर जाएगी और वहाँ पर जो स्वेलिंग डेवलप हो गई है वो सारी चीज़ें ठीक होंगी मेडिसिन के साथ में। कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं, केवल उन्हीं का प्रयोग किया जाता है, बाकी एक रैंडम एक्सरसाइज करना या फिर बहुत ज़्यादा दौड़ना भागना काम करना इस कंडीशन में मना होता है। मैंने उनको जब ये बताया कि आपको लेटे रहना है, रेस्ट करना है, मुझे क्यों परेशान करिए भाई रेस्ट करना है, तब उनका सीधे जवाब था, वो उम्र के हिसाब से 60-65 साल की महिला थी, उनका सीधा जवाब था, घर में काम इतना होता है आराम कैसे मिलेगा। अरे यार मक्खी हट जा थोड़ी देर, आराम कैसे मिलेगा। तो मैंने उनसे बोला कि भाई आप 65 साल के हो, है ना, अपनी एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप जी चुके हो, काम नहीं करोगे तो क्या दिक्कत है। बोले नहीं 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 इतना बड़ा घर है, घर में लड़का है, उनके 3 लड़के हैं और एक लड़का तो दिल्ली में रहता है, दूसरा हैदराबाद में रहता है और एक लड़का उनके पास में रहता है। इतना बड़ा घर है, पूरे घर की साफ सफाई, खाना पीना, इतना काम हो जाता है, कैसे काम होगा। मैंने उनको बोला कि आपके घर के सारे कमरे ना उसमें आप ताला लगा दो, एक जो कमरा है जिसमें आपको रहना है और जो किचन है उसको खोल लो। कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मैक्सिमम बेड रेस्ट तो करोगे ना, 10 दिन झाड़ू पोछा नहीं होगा तो क्या बिगड़ जाएगा। चलो झाड़ू लगानी है आपको, बिना झाड़ू के चैन नहीं आ रहा है, गंदा बहुत ज्यादा हो गया है, लड़के से लगवा लो, लड़का है हाथ पैर चल रहे हैं, झाड़ू तो लगा ही सकता है। बोले अरे हमारा लड़का तो काम ही नहीं करता बिल्कुल ही, अब क्या करे, वो पूरे दिन भर थक जाता है, ऐसा करता है वैसा करता है, अब बताओ क्या करे इसमें। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को इस प्रकार का भी संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, और संस्कार वो बच्चे की बात छोड़ो, हो सकता है बच्चा वो खाना बना लेता हो लेकिन माँ अपनी ममता अपना मोह वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब क्या है। मतलब आप तो खुद अपने आप को बीमार कर रहे हो, है ठीक है। अगर जैसे एक तो महिलाओं में ना साफ सफाई का ऐसा भूत चढ़ा हुआ रहता है, मैंने कुछ समय पहले आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो देखा और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उसमें वो जो मैं चाहती हूँ, जो मैं पेशेंट को समझाती हूँ ना, एटलीस्ट वो वहाँ पर बोल रहे थे, वो भी बड़ा अच्छा लगा कि यार झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े घर को चमकाना, बिल्कुल स्त्री को बिल्कुल अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना, ये सब ना बहुत ही 2 कौड़ी के काम होते हैं। थोड़ा सा घर में साफ सफाई रखिए, थोड़ा सा रखिए, जो एक एवरेज हाइजीन मेंटेन रखने वाली बात होती है वो रखिए, लेकिन अगर आप पूरे दिन अपने घर की गृहस्थी के कामों में पागलपन की तरह उलझे हुए हो ना, तो आप अपने आप को बीमार कर ही रहे हो। अब ये महिला मुझे पता है, चाहे वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले ले, चाहे एलोपैथी ले ले, वो ठीक नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि वो 1 दिन 2 दिन तो रेस्ट कर लेगी, 3रे दिन वो जाकर वही काम करेगी जो वो पहले से करती है, ना वो रेस्ट करेगी प्रॉपर, ना वो प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालेगी, और दिन भर एग्जर्शन करती रहेगी, गलत तरीके से बैठ के झाड़ू लगाएगी, गलत तरीके से बैठ के कपड़े धोएगी, दिन भर अपने लड़के के पीछे भागती रहेगी, गरम गरम रोटी उसको खिला दे, तो वो सही नहीं होने वाली। ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना आयुर्वेद में, उनको कहा जाता है कि याप्य कंडीशन में होते हैं। याप्य का मतलब ये 2-4 दिन आराम कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे, उसके बाद फिर वापस बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि वो खुद ही ठीक होना नहीं चाह रहे हैं। ठीक होने के लिए उनको जो एफर्ट डालने पड़ेंगे ना, वो एफर्ट करने के लिए वो तैयार नहीं है। ऐसे ही एक दूसरा केस देखा, उसमें उस महिला का इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट चल रहा था, बच्चे नहीं हो रहे थे उसके लिए उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वो महिला के साथ सामान्य तौर पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप इनफर्टिलिटी के लिए जा रहे हैं तो पति पत्नी दोनों जाइए, किसी भी घर के बाकी सदस्य को आपको ले जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए और जाना भी नहीं चाहिए। ये पति पत्नी के बीच का मैटर है कि उन्हें बच्चा करना है नहीं करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा नहीं होता।
अब वो महिला जो आई थी जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था, वो अपने साथ में एक 65-70 साल के आसपास की एक बुजुर्ग महिला को लेकर आई थी। अब जैसे ही बुजुर्ग महिला को पता चला कि वो उम्मीद थी उनको, मतलब कि उनका थोड़ा सा महीना पड़ गया था 4-5 दिन, तो 4-5 दिन जब लेकिन उन्होंने टेस्ट किया तो उसमें निगेटिव आया, अल्ट्रासाउंड में भी निगेटिव आया कि बच्चा नहीं है। तो इस कंडीशन के बाद में वो जो महिला है वो तो चलो ठीक ही ठीक है, लेकिन जो महिला की दादी आई थी 65-50 साल की जो महिला थी, वो इतनी ज़्यादा उदास है, भगवान ऐसा क्यों करता है, एक बच्चा दे दे, कोई भी दे दे, लड़का लड़की कुछ भी दे दे, घर का नाम रोशन हो जाए, घर का कुछ हो जाए, ऐसे मतलब इतना ज़्यादा मन को व्याकुल करके रहने लगी। मैंने उनको समझाया, इनडायरेक्टली समझाया कि देखो अब आपकी उम्र हो गई है, इस उम्र पर ममता में मोह में इतना ज़्यादा फंसना ठीक नहीं है। बच्चे होंगे, किस्मत में होगा, बच्चा हो जाएगा, नहीं होगा तो इतना कोई हाय तौबा नहीं हो जाएगी। आप अपने मन को कंट्रोल करके रखो, अपना अपना बुढ़ापा देखो यार, आपको इंसान का जीवन मिला है, पूरी ज़िंदगी आपने इन्हीं घर गृहस्थी के फालतू कामों में लगा दिया, आपने जीवन में कुछ अचीव नहीं किया, आपकी लाइफ एक तरीके से बर्बाद तरीके से गई है, लास्ट का समय आपको मिला है, आप अब बुजुर्ग हो गए हो, कुछ और काम नहीं कर सकते, आपको एक जगह बैठे रहना है, तो यार अब तो जाके थोड़ा सा समाज सेवा के कुछ काम कर लीजिए, एटलीस्ट फिजिकली या मेंटली जो आप समाज के लिए कर सकते हैं वो करिए, परमात्मा के लिए कुछ करिए, जीव जंतुओं के लिए कुछ करिए, लेकिन ये जो घर गृहस्थी का मोह है, मोह बना रखा है, उसको छोड़ने का थोड़ा तो प्रयास करिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग ऐसा नहीं करते हैं, और फिर ये घर गृहस्थी है ना, ये तो वैसे ही पता नहीं क्या है, मेरी तो समझ से ऊपर है, पूरा कंप्लीटली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, केवल और केवल पुरुष की चलती है, हर रिश्ता पुरुष के आजू बाजू घूमता रहता है। शादी होगी, वो लड़की अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में चली जाएगी। कभी आपने देखा है कि पुरुष घर छोड़ के आए? नहीं। नाम चेंज कर लेंगे, सरनेम चेंज कर लेंगे, जिस घर में आप रहे हो पूरी जिंदगी, अब वो घर आपके लिए पराया है, पति का घर आपका अपना है, पति का घर जिस घर में आप बहू हो, सबसे छोटे इंसान हो, आपकी कोई खास हैसियत होती नहीं है। अभी अगर हम समाज का जो ढांचा बना है, अगर हम ये जो कानून की बैसाखी है ना उसको छोड़ दें ना, तो बहुओं के पास कोई ज़्यादा अधिकार होते नहीं है परिवार में, ये तो कानून बन गए हैं अलग अलग प्रकार के, कि दहेज नहीं ले सकते आप, बहुत ज़्यादा दहेज नहीं ले सकते लेकिन दहेज फिर भी लोग लेते हैं, या बहुओं को मार नहीं सकते, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कर सकते, सब कानून बन गए हैं। अदरवाइज तो पति को पूरा हक होता है ना, हमारा समाज तो ये मान के ही चलता है कि अरे उसको बहुत हक है, उसको वो तो कुछ भी कर सकता है, वो पति है उसका, पति परमेश्वर है उसका। तो पता नहीं, अभी कुछ दिन पहले मैं एक मिनट गाड़ी निकल जाए, कुछ दिन पहले मैं एक परिवार के एक फंक्शन में भी गई थी, अभी वहाँ मैंने देखा कि शादियों के नाम पे केवल पुरुष प्रधान समाज का ही सब कुछ चलता है। एक एग्जांपल बस दूंगी छोटा सा, ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलूँगी, कि बहू के लिए उसका जो ससुराल होता है वो उसका घर होता है, लेकिन दामाद के लिए उसका ससुराल उसका गेस्ट हाउस टाइप का होता है। हमारे समाज में दामाद की बहुत बड़ी वैल्यू होती है कि यार वो तो बहुत ज़्यादा पता नहीं कुंवर सा है, दामाद जी हैं, बड़ा उनका रिस्पेक्ट होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी बेटी के साथ में शारीरिक संबंध बनाने का हक रखता है, उसकी एक लड़की की इज्जत उसके शरीर में बस गई है, और वो जो पुरुष है उसका पति है, उसको शरीर को नग्न अवस्था में देखने का हक बनता है, तो इसलिए अब वो आपके लिए मान्य हो जाना चाहिए, क्योंकि उसको हक दिया है ना आपने कि मेरी बेटी को, हमारी बेटी को नग्न अवस्था में देख सकता है, तो इसलिए उसको हक बन गया है, तो वो आपके लिए बड़ा मान्य कंडीशन में हो जाएगा, बड़ा रिस्पेक्टेड बिहेवियर में आ जाएगा। और वही जो बहू है जो शादी करके बाहर से आई है, वो परिवार की सबसे छोटी सदस्य हो जाएगी। फिर जो देवर है भाभी के लिए, है तो रिश्ता वही ना, वो आपके पति का भाई है ना, तो पति का जो भाई है वो आपका देवर हुआ, लेकिन वो आपके लिए बेटा जैसा होना चाहिए, आप भाभी माँ हो उसकी। लेकिन वही जो आपकी बहन है या जो आपका भाई है, वो आपके पति के लिए साला हो गया। साला एक गाली जैसा है सामान्य तौर पर, इस शब्द को अरे साले तो लोग गाली की तरह इस्तेमाल करते हैं ना, इस रिश्ते को कोई इज्जत की नजरों से नहीं देखता ना, साला बोलते हैं। साले का मतलब क्या कि मैं तेरी बहन के साथ में शारीरिक संबंध बना सकता हूँ, यही तो है ना। तो ये रिश्ता एक नॉर्मल सा रिश्ता, लेकिन उसको हम इतना ज़्यादा खराब देखते हैं पूरे भारत में। एक एक चीज़ तो है कि जीजा हमेशा महान होते हैं और साला बहुत ही ज़्यादा लोअर पोजीशन होती है, ये पुरुष प्रधान समाज का एक लक्षण है। और पता नहीं इस समाज में, मतलब चलिए खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, मैं आपको बीमारियों के बारे में समझा रही थी कि इन घर गृहस्थी के जंजाल में, इन फालतू की चीज़ों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो,
अपने खुद की पर्सनैलिटी, खुद के ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया करो। आप रेगुलर एक्सरसाइज का समय निकालो, पूरे दिन झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, बच्चों के कपड़े, बच्चों का खाना, पति का खाना, पति का घर, पति का ये, पति का वो, चक्करों में मत पड़ा करो, एक्सरसाइज किया करो। मैं सुबह किसी दिन वीडियो दिखाऊंगी, मैं जब अपने डॉग्स को घुमाने के लिए ले जाती हूँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा दौड़ने का एक ग्राउंड है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे पुलिस भर्ती और अलग अलग भर्तियों के लिए एक्सरसाइज करते हैं। वहाँ पर कम से कम 500 बच्चे तो आते होंगे, लेकिन उन 500 बच्चों में लड़कियाँ जो है ना वो केवल 10 या 12 से ज़्यादा नहीं होंगी। कबाड़ी वाला हमेशा आता है मेरे हर वीडियो में। बाहर तो रद्दी वाला आ गया, वो वीडियो तो नहीं करने देगा, अपनी रद्दी वाले की आवाज़ में बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, सामान बेच लो, ये बेच लो। तो खैर चलिए ठीक है, मैं आपको जो बता रही थी वो चीज़ ये है कि अगर आप फिट रहना चाहते हो, बीमारियों से बचना चाहते हो, खास तौर से हार्मोनल बीमारियां जो होती है ना उनसे बचना चाहते हो, क्योंकि हार्मोनल बीमारियां ज़्यादातर लड़कियों को होती हैं कंपैरिजन में, ऐसा नहीं है कि मेल को नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप फिट रहो, हेल्दी रहो, तो ये थोड़ा सा घर गृहस्थी के जंजाल से दूर रहोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, हेल्थ वाइज बेहतर रहेगा। अपने मन को कंट्रोल करके रखो, अपने आप को पूरी तरीके से इन फालतू कामों में मत इन्वॉल्व रखो, रेगुलर एक्सरसाइज के लिए समय निकालो, रेगुलर किताब पढ़ने के लिए समय निकालो, मेडिटेशन करने के लिए समय निकालो, पूजा पाठ वगैरह जो भी आप करते हो उसके लिए समय निकालो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के व्यक्तित्व, खुद की पर्सनैलिटी, खुद के ऊपर ध्यान दो। आपका पति या इवन आपकी पत्नी भी एक रिश्ता है, विवाह एक संस्कार है, एक काम है जो ज़िंदगी में करना होता है एक बार, और वो भी कोई कंपल्सरी नहीं है। कोई शास्त्र नहीं कहता कि विवाह करना कंपल्सरी है। आप खुश रहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान ने आपको हेल्थ दी है, शरीर दिया है, उसकी देखभाल करिए, उसको देखभाल करना, स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी काम है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक प्लीज स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।